दर्द से ज्यादा अंदर से टूट रही थी। अंदर कुछ भी कर दे, कोई कुछ भी दवाई दे दे मेरे को, ऐसा कुछ दे दे, मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि जहां इतने दिन मुझे नहीं दिया, मुझे ना देता। इसके दो पार्ट्स हमने अपलोड किए हैं, हमारी जिंदगी में क्या चल रहा था आप लोग को पता था। लास्ट ब्लॉग में पता चला होगा कि हाँ, रोशनी प्रेग्नेंट हुई थी, ये कंफर्म हो गया था किट से। आपका क्या बोलते हैं, क्या होता है, सोनोग्राफी में भी क्लियर हो गए थे हाँ रोशनी प्रेग्नेंट है। उसके आगे क्या हुआ वो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में बहुत ज्यादा स्वागत है, और जो फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो पूरा देखना, अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन सभी लोग दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो मेरा व्लॉग है, ये व्लॉग कहने को तो व्लॉग है बट ये ब्लॉग नहीं, ये हमारी स्टोरी है जो हमारे साथ बीता है कुछ 3 महीनों में। और मैं इस अपनी मतलब जो मेरे साथ बीता उसके जरिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, अपने डॉक्टर के कंसल्ट में रहें। जो मेरे साथ हुआ आपके साथ वैसा ना हो। मैं तो यही कहूंगी कि अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट होना चाहती है, अगर कोई नॉर्मल नेचुरल प्रेग्नेंट हो गया तो कोई बात नहीं, अगर उसको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2-3-4 साल शादी को हो गया है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, अचानक से प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो वो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले प्रेग्नेंट होने के पहले, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ ऐसा ना हो। तो गाइस, जैसे कि जो अभी मेरा ये व्लॉग देख रहा है उसको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो इसके लिए आप अगला पार्ट जो पीछे के दो पार्ट है वो जाके देख लो, जरूर देखना। आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं किस मैटर में और क्या बात करना चाहती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने सेकंड पार्ट में यहाँ तक बताया था कि मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, सोनोग्राफी हुआ मेरा और मैंने डॉक्टर को दिखवाया, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि हाँ तुमको बेबी है। वहीं पे उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन दिए, मैं सेकंड पार्ट में बता चुकी हूँ। आगे बताती हूँ कि मेरा बेबी अभी है या नहीं है। तो हुआ क्या कि मैंने वहीं पे 2 इंजेक्शन लिए, वो किस चीज़ के इंजेक्शन थे, ब्लीडिंग रोकने के, क्योंकि मेरे को हल्का हल्का ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया था। पहले तो ब्राउन डिस्चार्ज जैसे हो रहा था, फिर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि मेरे को डॉक्टर के दिखाते दिखाते शाम को 5 बज गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर आई, घर आने के बाद मेरे पेट में हल्का हल्का सा पेन बना रहा, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को, और हाँ उन्होंने मुझे मतलब 1 दिन में 4 टेबलेट दी थी, 1 दिन में 4 बार खाना था, ब्लीडिंग रोकने की टेबलेट थी कि ब्लीडिंग रुके, लेकिन मैं 4 टेबलेट ले रही थी, 2 इंजेक्शन भी थे। उन्होंने था कि हर चौथे दिन, कि हर तीसरे दिन, ऐसे हर पांचवें दिन, मतलब 1 महीने तक इंजेक्शन लगने थे मेरे को। पहला इंजेक्शन वहीं लग गया था अस्पताल में, 2 लगे थे, एक लगा था, एक लेके आए थे, एक लग गया था वहां पे, एक लेके आए थे जो 5वें दिन लगना था। शाम को सारी गोली वगैरह सब कुछ खाई रोशनी ने, फिर नेक्स्ट डे था, मतलब उस दिन तो थोड़ा बहुत ये था कि चलो ठीक है, हो सकता है रुक जाएगा। फिर नेक्स्ट डे की मॉर्निंग से क्या हुआ तो नेक्स्ट डे रात भर हल्का हल्का पेन बना रहा। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग जब मैं उठी सुबह, तो मतलब पहले की अपेक्षा बढ़ रहा था, वो कम नहीं हो रहा, स्पॉटिंग बढ़ रही थी, हाँ और ज्यादा हो रहा था। तो मैंने इनको बताया, मम्मी को बताया कि मुझे मतलब कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, मेरा बढ़ता ही जा रहा है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हो गया, अगर मैंने ये सोचा कि हो सकता है गोली दिया है तो आराम मिल जाए, कि शाम तक वेट करते हैं, शाम तक ठीक नहीं होगा तो फिर अब हम फिर से चलेंगे डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि अभी 12 घंटे पहले तो दिखा के आए थे। और गाइस, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जिसको पीरियड में पेन होता है वैसा ही पेन मेरे को थोड़ा थोड़ा हो रहा था, जैसे लग रहा था पीरियड आने वाला वैसा पेन हो रहा था। और मतलब पूरा दिन मेरा कैसे गुजरा मैं बता नहीं सकती हूँ, और मतलब जो एक होता ना दिल में धक 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 की, मतलब इतना ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था, मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, परेशान थी, इरिटेट थी। कोई भी औरत होगी जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, कितना लोग खुश रहते हैं, और उस खुशी के बीच में ऐसा हो जाना। मेरी मम्मी का वहाँ से फ़ोन आ रहा था, उधर वाली मम्मी मेरी फ़ोन कर रही थी, वो भी बहुत रो रही थी, बोल रही थी कि ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, टेंशन मत लो। और हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों से जब कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि बहुत सारी लेडीजें ऐसी हैं जिनको ना मतलब 5th-6 मंथ्स तक पीरियड भी आते रहते हैं,
ऐसा होता है किसी किसी के साथ कि 5 से 6 महीने तक पीरियड आते रहते हैं और उनको हेल्दी प्रेगनेंसी आगे सरवाइव करती रहती है। ऐसा भी लोग, मतलब 100 में से ऐसा है 90% केसेस में, मतलब 10% केसेस में ऐसा होता है कि स्पॉटिंग होती है बट प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। और गाइस एक चीज और हो रहा था मेरे साथ जो सभी के साथ होता होगा कि मतलब जैसे मुझे ब्राउन डिस्चार्ज होना चालू हुए, स्पॉटिंग होना चालू हुई, मैं गूगल में सर्च करने लगी, यूट्यूब में चीजें देखने लगी, तो उसमें भी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही थी कि होता है ब्राउन डिस्चार्ज, होता है हल्की सी स्पॉटिंग होती है, नॉर्मल चीज है, पर उसमें हल्का सा, पर मेरा बढ़ता जा रहा था और मुझे मतलब बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था। और मतलब वो सुबह से लेके 6 घंटे का समय मेरा कैसे बीता वो मैं जानती हूँ। और फिर क्या हुआ था, 3 बजे से बहुत ज्यादा दर्द, मतलब इतना पेन, शाम को 3-3:30 बजे की बात है, मतलब दोपहर को मैंने इनको फोन किया, ये दुकान मैं शॉप पे था, इसने फोन लगाया, मतलब बहुत ज्यादा पेन। उसी टाइम पे मेरी चाची जी आ गई थी और मम्मी थी, मतलब पेन इतना था कि वो मैंने व्लॉग भी डाला है, मतलब जो पेन था ना उसको छोटी सी क्लिप मैंने डाली उस टाइम पे, उस वाले वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा। इतना पेन था लिटरली कि मतलब जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मैं बिस्तर में ना लेट पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना उठ पा रही थी। मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि जहाँ इतने दिन मुझे नहीं दिया, मुझे ना देता, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो, आप एक लेडीज हो, जिस दिन वो आता है ना कि एक पॉइंट आपको रेड दिखता है, उसमें किट में एक दिख जाता है ना, उस दिन से आपके अंदर इतनी उम्मीदें, इतना मतलब उसको लेके कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, हम ऐसी प्लानिंग, ये सब इंसान सोच लेता है, वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। और गाइस ये 3 किट हैं जिसमें आप देख रहे होगे कि एक में कम समझ में आ रहा होगा, ये देख रहे होगे, और एक में फिर ज्यादा, फिर एक में और ज्यादा, और इसकी डेट मिट गई क्या, और इसमें हमने डेट भी डाल के रखी थी जो कि मिट गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब डेट डाल के रखी थी जो कि गाइस मिट गई है, और ये थी डेट, इसके मैं बाद में बता दूंगा। तो ये वो किड हैं जो लगाया, तो उन्होंने ये बोला कि अभी हम बिजी हैं, आप शाम को 7 बजे तक आ जाओ मेरे पास। उस 7 बजे के बीच में गाइस मुझे इतना पेन हो रहा था कि मैं बिस्तर से उठ रही थी, बैठ रही थी, खड़े हो रही थी, मतलब मुझसे बिस्तर में रहाई नहीं पड़ रही थी, मतलब इतना ज़्यादा पेन कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब कितने दर्द में थी मैं। जिसका भी ऐसा हुआ होगा, जिसके साथ भी ऐसा हुआ होगा, उसको फील होता होगा कि कितना ज़्यादा पेन होता है। और इंसान इसमें गाइस क्या होता ना कि पेन होता है तो सिर्फ दर्द सह लेता है, लेकिन इसमें क्या था ना कि मैं दर्द से ज़्यादा अंदर से टूट रही थी, अंदर से, मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा था ना कि मैं जा रही थी, मैं वॉशरूम जाती थी बार बार, मुझे आ रहा था, पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक उम्मीद थी, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, जो होगा अच्छा होगा, अच्छा होगा, मतलब ये उम्मीद थी। और बस हो गया, ऐसे चलता रहा। फिर क्या हुआ कि मतलब हम, इन्होंने बोला ठीक है शाम को 7 बजे डॉक्टर के यहाँ लेके जाते, मम्मी तैयार हो गई थी, चाची थी, और शाम को 7 बज ही रहे थे कि मेरे को और ज़्यादा पेन चालू हो गया। तो फिर चाची आई तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि, वैसे हम लोग इन चीज़ों को कोई भी मतलब किसी भी तरह से हमारे घर में कोई बिलीव नहीं करता है, पर चाची ने बोला एक बार आपके यहाँ शायद होता होगा कि कोई भौतिक बाधा ना हो, इसलिए पापा से ये बोलें कि मेरे पापा जी जो हैं, मेरे ससुर जी, वो थोड़ा सा झाड़ते उड़ते हैं, वैसे कभी नहीं झाड़ते पर थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो बोलें कि थोड़ा सा हाथ दिलवा दो, हो सकता है ऐसी कोई बाधा हो तो टल जाएगी, चाची जी ने बोला। तो हालांकि पापा आज तक मेरे कभी भी ऐसा हाथ वाथ वाला ऐसा कुछ नहीं किए, पर वो बोलते ना अपने बच्चे जब कष्ट में होते हैं तो इंसान मजबूर हो जाता है, और बहुत मजबूर हो जाता है। मेरे को भी लग रहा था कि मतलब कुछ भी हो जाए मेरे साथ, कोई कुछ भी कर दे, कोई कुछ भी दवाई दे दे मेरे को, ऐसा कुछ दे दे जिससे मैं ठीक हो जाऊं, मुझे मतलब बहुत डर लग रहा था इस चीज को लेके, पर होना वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है। पापा जी मुझे बाहर बुलाए, पोर्च में हाथ देने के लिए गए, इसमें 5 मिनट मुश्किल से मैं कुर्सी में बैठी थी,
और इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि मैं कुर्सी को ऐसे पकड़ पकड़ के बैठ रही थी, मुझसे बैठा बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। वहां से जैसे मैं आई तो मेरे पेट में तो दर्द हो ही रहा था, तो मैं बोली मैं वाशरूम जाती हूँ। जैसे गई मैं वाशरूम गई, इतना ज्यादा मुझे ब्लीडिंग हुआ ना कि मान लीजिए, समझ सकते हो कि मतलब वहाँ का एरिया ना पूरा ब्लड से भर गया था। तो अब मैं खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे चक्कर सा आ रहा है, और मुझे मतलब बहुत लगा कि मैं कितना जोर से चिल्ला के रोऊं कि मेरे साथ ही क्या हो रहा। फिर भी मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और मैं बाथरूम से बाहर आई। चाची जी बैठी थी, मम्मी थी, यहीं पे थी, और चाची मेरे से पूछी कि क्या हुआ। मैंने बोला और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो मम्मी बोली परेशान मत हो, हम तो डॉक्टर के यहाँ चल ही रहे हैं, अब जो होगा सो होगा। तो गाइस एक उम्मीद होती, मुझे उस टाइम पे भी लग रहा था कि हो सकता है कि सब कुछ सेफ हो। एक जो दिल होता है ना वो गवाह नहीं रहता है नेगेटिव चीजों के लिए कि नहीं नहीं हमारे साथ उम्मीद जब तक जिंदा होती है ना। तो फिर मेरे को मतलब 10 मिनट हुआ बिस्तर में बैठी, तब तक मम्मी सामान वामान रखने लगी। 10 मिनट बाद गाइस मेरे को इतना जोरों वाला दर्द उठा, इतना जोर से मैं चिल्लाई, और मतलब मैं बिस्तर में थी, इसी बिस्तर में जिसमें बैठ के वीडियो बना रही हूँ, इसी बिस्तर में थी, और वो डिस्चार्ज हो गया पूरी तरह से। और मम्मी अबॉर्शन हो गया। हाँ, अबॉर्शन हो गया मेरा, अपने आप डिस्चार्ज हो गया। और वो लगभग मान लीजिए कि जो मतलब जीव था वो इतना रहा होगा, इतना मेरे पास उसकी फोटो है। नहीं, फोटो नहीं लगाएंगे, बट मैंने अभी भी रखा है उस फोटो को, अभी भी अपने पास। फोटो तो नहीं लगाएंगे, बट गाइस इतना था, इतना सा मतलब जैसे बच्चेदानी में मतलब बच्चा बनता है कुछ वैसे शेप का था, और इतना बड़ा था, इतना बड़ा। और बोलते हैं मतलब और दो पीसेस और थे जो कि मतलब डॉक्टर साहब से मैंने कंसल्ट किया था। क्या बता रहे थे वो? कुछ बताया था मतलब सारी उसका जो भी स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है तो वो सारी चीजें जो है डिस्चार्ज हो गई थी। और उसके बाद फिर मैं जबरदस्ती मम्मी चाची ने मुझे खड़ा किया, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा। बस हो गया, वही हुआ। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब हो गया। उसके बाद मैं बाथरूम गई और मम्मी ने चाची, और उतने टाइम से गाइस मुझे दर्द में इतना रिलैक्स मिला कि ऐसे लगा जैसे मेरी जान लौट आई। पर जो उसके बाद जो मुझे दर्द अंदर से हुआ ना, वो दर्द उसके अलावा जब मैंने उसे देखा ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे सामने ना मेरा दिल फट गया। मतलब मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम मुझे क्या फील हो रहा था। मैं मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ला के रोई। मतलब मुझे सिर्फ भगवान से ही लग रहा था कि अगर नहीं देना था तो ना देते, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। पर उनकी मर्जी के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना, हम सिर्फ रो सकते, चिल्ला सकते, कुछ कर कुछ भी नहीं सकते। उसके बाद मुझे लगा कि सब ठीक हो गया। फिर 5-10 मिनट बाद मैं फिर से बाथरूम गई, मुझे दर्द सा हो रहा था, मैं बाथरूम गई, और जैसे मैं बाथरूम से बाहर आई मुझे फिर वही वाला दर्द हुआ, फिर से मतलब बहुत जोरों वाला दर्द हुआ। मैं आंगन में खड़ी थी और फिर मतलब वो लास्ट डिस्चार्ज था जिसमें वो पूरा निकल गया, और उतने टाइम से मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया जो लोग भी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, जिनकी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा भी कि मतलब हम नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है कैसा है, तो वो ज़रूर से ज़रूर एक बार पहले कंसीव करने के पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले, अपने पूरे टेस्ट करवाए कि नॉर्मल टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी बॉडी आप देख रहे हो फूला जरूर है सब कुछ, पर अंदर से मैं कितनी वीक हूँ। मैं खड़ी होती तो मुझे अभी भी लगता है कि मैं गिर जाऊँगी, मतलब वो हिम्मत अंदर से नहीं रह गई है। तो इमोशनली प्लस फिजिकली प्लस मेंटली सभी तरह से आप टूट जाते हो, इसलिए एक बार टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मेरे से और कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, बताओ। और हम उसके बाद नेक्स्ट डे जब गए, नेक्स्ट जाने के बाद सारी जाँचें हुई, और उस जाँच में जो निकला ना गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। मतलब वो क्या था, टेस्ट में क्या निकला, हम खुद शॉक में थे कि हमने ये जांच पहले क्यों नहीं करवाई थी। अगर वो जांच हम करवा लेते तो हमारे साथ शायद ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या निकला उस जांच में, ये पता चलेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना, और कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। उम्मीद तो करते अभी तक जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लिया करो ताकि आप सब तक मेरा वीडियो पहुंचे। और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि ये ऐसी चीजें बता रही है, ऐसी चीजें नहीं बताना चाहिए,
पर गाइस होता सबके साथ है, पर बताने की हिम्मत सब में नहीं होती है। बताना इसलिए जरूरी है कि मेरे साथ हुआ है, तो आप लोग सतर्क हो जाओ, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप पहले से वो जांच करवा लो, चेकअप करवा लो। मैं सब बताऊंगी कि क्या करवाना चाहिए क्या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।